युवा धर्म संसद का शुभारंभ किया गया। समारोह में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री धामी और साथ ही आपको बता दें कि समारोह का संबोधित करते हुए नजर आए पतंजलि ऑडिटोरियम हरिद्वार में कार्यक्रम हुआ। योग गुरु बाबा रामदेव भी कार्यक्रम के अंदर मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पतंजलि ऑडिटोरियम हरिद्वार में कार्यक्रम हुआ, योग गुरु बाबा रामदेव भी कार्यक्रम के अंदर मौजूद रहे। युवा धर्म संसद का शुभारंभ समारोह का आयोजन किया गया। शुभारंभ समारोह में सीएम धामी पहुंचे, ये कार्यक्रम की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंदर पतंजलि ऑडिटोरियम हरिद्वार में ये कार्यक्रम हुआ था और वहां पर योग गुरु बाबा रामदेव भी पहुंचे। देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर मैं आप सबका अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज सच में आप सबके बीच में इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होकर मुझे भी अपने विद्यार्थी जीवन की याद आ रही है, उसका स्मरण हो रहा है और आदरणीय चंपत जी का उद्बोधन सुन के बहुत सारी प्रेरणा मिल रही है कि किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो की धर्म संसद में किस प्रकार से वहां अपना उद्बोधन दिया था और हम सबके लिए किस प्रकार की प्रेरणा वो आगे के मार्ग के लिए जो हमारे लिए पाथे का काम करेगी। भाइयों बहनों, 11 सितंबर 1893 जिसके बारे में अभी आदरणीय चंपत जी ने यहाँ बहुत विस्तार से बताया, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा अमेरिका में शिकागो में दिए गए उद्बोधन को आधार मानकर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें निश्चित रूप से हमारे देश की युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान किस प्रकार से सुनिश्चित करना है, यह संसद निश्चित रूप से उस दिशा में हम सबको प्रेरित करेगी। और इस कार्यक्रम के लिए पूज्य स्वामी जी का अयोध्यावासी मिथिलेश नंदनी शरण जी का और उनकी पूरी टीम का मैं जितनी सराहना करूं उतनी कम है, मैं क्योंकि ये संस्था हमारे समाज में निष्ठावान एवं जागरूक युवाओं के चरित्र निर्माण के लिए अनेक वर्षों से काम कर रही है। अनेक इस प्रकार के प्रयास पहले भी किए गए हैं, जैसा आप सभी जानते हैं और आप सब में से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कार्यक्रमों में इनमें सहभाग करने का अवसर मिला होगा। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय संस्कृति को संपूर्ण विश्व के अंदर पहचान मिल रही है। भारतीय सनातन संस्कृति की अनमोल धरोहर योग और प्राणायाम को भी आज पूरा विश्व अपना रहा है। पूरे विश्व के अंदर इनकी आज एक मान्यता हो रही है। 21 जून को मनाया जाने वाला योग दिवस, इसका हमारा प्रत्यक्ष हमारे सामने इसका प्रमाण है। आज विश्व के अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्ष मां गंगा की आरती और श्रीमद् भागवत गीता के आध्यात्मिक सार को समझकर हमारी संस्कृति को अपना भी रहे हैं। हमारी संस्कृति की ओर आज उनका रुझान हो रहा है। भाइयों बहनों, भारतीय संस्कृति को संरक्षित और संवर्धित करने के साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे सामने 2047 में विकसित भारत का संकल्प रखा है और उसके लिए निरंतरता से आज काम भी हो रहा है। परंतु भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सबको भी उस दिशा में कार्य करना होगा, बहुत काम करना होगा। और इस ध्येय को पूरा करने में अगर किसी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है, अगले 25 साल जिनके कंधों पर है, तो वो कोई और नहीं है, हमारे देश के जो आज युवा धर्म संसद में शामिल होने वाले आप सभी युवा भाई बहन हैं। 30 साल से तो हम ही देख रहे हैं, हमारे श्रद्धेय सिंगल जी के साथ इनको हम मिला करते थे, एक इधर बैठे हुए हमारे जो है क्या नाम है पंकज जी, ये भी ऐसे कैसे, ये बस थोड़ा सा इनकी दाढ़ी बढ़ गई, थोड़ी सी मूछ बढ़ गई,
वेट तो उनका वैसा का वैसा, ये पता नहीं कम ही नहीं होता, कितना माल दबा के बैठे हुए, मतलब दूसरा हाथ मत लगाना, मतलब वो देखो देखो पेट कितना होना चाहिए, पेट इतना सा होना चाहिए तुम अपने भीतर समेट सको। इससे ज्यादा पेट तुमने राम जी का कभी पेट देखा, कृष्ण जी का देखा, माता लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पार्वती भवानी भगवती का देखा? फिर तुम्हारे जिसके भी पेट मोटे हो, अरे गणेश जी तो हाजमा ठीक रखने के प्रतीक है, मतलब देखो आदर्श कांड। गणेश जी कहते हैं जो कुछ सुनो उसको, जो गोपनीय है उसको डाइजेस्ट करना भी सीखो, वो तो सब प्रतीकात्मक है। गणेश जी के सूंड का अर्थ, गणेश जी के दांत का अर्थ, गणेश जी के माथे का अर्थ। अच्छा गणेश जी में दिमाग आदमी का या हाथी का बता, फिर पेट का अर्थ बताऊंगा। ये गणेश जी जो है वो बड़े तत्वों के सत्यों के प्रतीक है, और पेट ऐसे घुमा सको, देखो ऐसे, अब तुम पेट घुमाने लगोगे तो तुम आप पीछे से ही घुमाओगे, आगे से तो घूमने का नहीं, पूरा चक्का जाम है, बहुत माल ठोक रखा, और वो भी आजकल तो अब 2 दिन तो पतंजलि को ही ठोकोगे।